नमस्कार प्रणाम मित्रों, अभी देख सकते हैं मेरे पीछे एक मतलब बड़ी सी कैनाल है और कैनाल के ऊपर जिसको हम लोग नहर बोलते हैं और इसमें लगातार देख रहे हैं लाइन से एकदम पाइप बिछाया हुआ है। तो ये क्या चीज़ का है आपको दिखा रहे हैं, कमाल का दिमाग लगाने वाला लगाया है और बिहार में आपको कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ये तो चलिए बेकार पड़ा हुआ है, बंद है, ख़राब है, नहीं कुछ मशीन इसमें चालू है और दिखा रहे हैं, कमाल का जुगाड़ है। देख सकते हैं बड़ी वाली जो पंपी सेट आता है, बड़ी वाली जो मशीन डबल फ्लाईव्हील का आता है, उसी से यहाँ का किसान लोग खेत में अपने पानी डालते हैं। देख सकते हैं कमाल का जुगाड़ लगाया है, इसको कोई खींचा नहीं जाता, इसमें कोई टायर नहीं है। देख सकते हैं इधर जो ट्रैक्टर का जो हाइड्रोलिक होता है ना, जिसमें थार जोड़ा जाता है, कल्टीवेटर जोड़ा जाता है, उसी सिस्टम के हिसाब से इसको बनाया गया है। और देखिए बेचारे कितने पड़े हुए हैं, अगर शायद बिहार में होता तो इतना सुरक्षित और सही नहीं होता। और यहाँ पे देखिए लगातार ये दोनों मशीन चल रहा है, दोनों मशीन काम कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है, गुजरात आज भी मतलब पुराना चीज़ यूज करता है, हमारे बिहार में ऐसा नहीं है। हमारे बिहार में छोटा छोटा मशीन हुंडा या छोटा छोटा पंपी सेट से हम लोग काम करते हैं, लेकिन इस मशीन को आप एक बार चालू कर दीजिए और जब चलना चालू हो जाएगा ना तो आप दिन रात चलाते रहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देख सकते हैं कमाल का दिमाग ये लोग लगाए हैं और बड़े मशीन से पानी डालने का एक अलग ही मजा है, एक अलग ही अनुभव है। देख सकते हैं चल रहा है, कितना मस्त लग रहा है। तो आप सबको क्या लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अब तब तक के लिए जय हिंद।